हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक बेहद ही शानदार कॉमिक्स, मौत का स्टेशन। वन डीएस पैसेंजर गाड़ी जिस समय गीतापुर स्टेशन पहुंचकर रुकी, दूर कहीं घड़ियाल ने शाम के 6 बजने की सूचना दी। ग्रीन सिग्नल मिलते ही गाड़ी पटरियों पर फिसलने लगी, ट्रेन गति पकड़ गई, पीछे छोड़ गई मौत का खौफनाक सन्नाटा, जिसमें ट्रेन से उतरे उस इकलौते व्यक्ति की पश्चाप है किसी का भी लहू जमा देने के लिए काफी थी। वह व्यक्ति अभी निकास दौड़ से निकलना ही चाहता था कि स्टेशन के एकमात्र अधिकारी देवनाथ ने उसे रोका। ठहरो, अपना टिकट दिखाओ। अरे सुनाई नहीं पड़ता क्या भाई, टिकट। और उस व्यक्ति के पलटते ही देवनाथ के मुंह से भयानक चीख निकल गई, ओह नहीं नहीं, आ बचाओ। देवनाथ ने अपने केबिन में पहुंचकर दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी, उफ ओ भगवान मेरी रक्षा कर, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा कहीं। अचानक वह उछल पड़ा, भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओह ये फोन, वह फोन पर झपटा लेकिन डायल टोन गायब थी। उफ अब क्या करूं, अरे वह परछाई गायब हो गई है। तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा टूटा। कौन तो तुम? नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे साहब की चीख की आवाज। स्टेशन का जमादार हरिराम लपक कर केबिन में पहुंचा। ओ अरे सुन, तुमने हमारे साहब को मार डाला, त्यारे हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल हरिराम के कंठ से भी चीख उबल पड़ी, आ न नहीं। दहशत में डूबा हरिराम एक पल भी वहां नहीं रुका, बचाओ भूत भूत। स्टेशन के बाहर खड़े एकमात्र तांगे पर वह सवार हो गया, फिर चिल्लाया, दीनू जल्दी दौड़ा तांगा, मौत इधर ही आ रही है, उसने हमारे साहब को उफ मार डाला दीनू। अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं रे, और ये तांगा धीरे क्यों चला रहा है वह भूत। तभी तांगे वाले ने पलट कर देखा, आई नहीं तुम भूत बचाओ। बहका मारा हरिराम चलते तांगे से फौरन कूद गया, आ और चोटों की परवाह किए बिना सरपट भागा, भूत भूत बचाओ। भागते भागते अचानक उस देखकर उसका सारा शरीर कांप गया। उफ ये क्या, नहीं ये तो हमारे साहब की लाश है, लेकिन ये यहां कैसे आ पहुंची। अभी वह जड़ जड़ सा खड़ा ही था कि अचानक उसके गले में कोई चीज आ पड़ी। ये क्या, और उस हार के लॉकेट पर निगाह पड़ते ही वह पुनः चीख पड़ा, नहीं। उसने वह भयानक हार उतार कर वहीं फेंका, और फिर वह गांव पहुंचने से पहले नहीं रुका। गीतापुर गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। अरे इसे क्या हुआ, इसे उठाकर इधर उधर चबूतरे पर लिटाओ, मैंने इसे बड़ी तेजी के साथ भागकर गिरते देखा था। कुछ ही देर में लगभग सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। पानी छिड़को इसके मुंह पे, शक्ल से तो बहुत बुरा, बहुत डरा हुआ लग रहा है, ना मालूम क्या बात है मगर कुछ है जरूर। युवक हरिराम के चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। तुरंत ही हरिराम होश में आकर भयभीत स्वर में चिल्लाया, नहीं भूत वह मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मार डालेगा बचाओ। डर नहीं हरिराम, यहाँ कोई भूत नहीं है, होश में आह नहीं वो मुझे मार डालेगा, उसने हमारे साहब को मार डाला। क्या उसने स्टेशन मास्टर साहब को? कौन था वह हरिराम बताओ, हड्डियों से चेहरे वाला भयानक भूत। हरिराम पुनः बेहोश हो गया। उस घटना की अगली ही रात, ओह गाड़ी पूरे 5 घंटे लेट हो गई है, इस समय जंगल के रास्ते से गांव होकर गांव जाना क्या ठीक होगा? नहीं, रहीम और उसकी पत्नी सईदा सीतापुर के ही रहने वाले थे। वह हरिराम वहां खड़ा है, उसे भी रात स्टेशन पर ही बितानी होगी, उसी से चलकर बात करते हैं, रात तो अब यहीं काटनी पड़ेगी। देवनाथ की मृत्यु के पश्चात हरिराम की ड्यूटी तब तक के लिए स्टेशन पर लगा दी गई थी जब तक कि नया अधिकारी नहीं आ जाता था, अतः हरिराम स्टेशन पर ना चाहते हुए भी रुकने के लिए मजबूर था। रहीम और सईदा को उसने वेटिंग रूम में ठहरा दिया था, खुद वह साथ वाले कक्ष में था। आज की रात सही सलामत बीत जाए, कल ही यहाँ से तबादले की अर्जी दे दूंगा। आधी रात के समय रहीम की अचानक नींद टूट गई, अरे ये बाहर खड़खड़ाहट कैसी। उसकी बीवी सईदा भी जाग गई थी, बाहर कहीं हरिराम तो नहीं है जी, देखता हूँ।
दरवाजा खुलते ही वह उछल कर कई कदम पीछे हट गया। या खुदा, भयानक दृश्य देखते ही सईदा भी बुरी तरह से चीख उठी, आ। दूसरे ही पल रहीम क्रोध से गुर्रा उठा। यह अगर किसी की शरारत है, यह जरूर किसी की शरारत, मैं भी देखता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन रहीम दरवाजे पर लटके बच्चे के कंकाल से बचकर बाहर आ गया। बाहर तो कोई नहीं है। फिर बच्चे का यह कंकाल यहाँ किसने लटकाया? क्या हुआ रहीम, ये चीख कैसी थी? तब तक हरिराम भी भय से कांपता हुआ वहां पहुंच गया। बच्चे का कंकाल देखकर हरिराम की काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। उफ, हे भगवान, ये कंकाल! अचानक सईदा की चीख सुनकर दोनों उछल पड़े। हिरण की तरह कुलाजे भरता हुआ रहीम भीतर भागा। सईदा को क्या हुआ है? केबिन में घुसते ही सईदा चीखती हुई उससे टकराई, बचाओ बचाओ! सईदा, क्या हुआ सईदा, बताओ। वह वह, ये तुम्हारे चेहरे पर खून कैसा? वह वाह, आ, नहीं, बचाओ! सईदा का संकेत पाकर रहीम लपक कर खिड़की पर पहुंचा। यहां तो कुछ नहीं है। रहीम सईदा के निकट पहुंचा। हुआ क्या था सईदा, और ये तुम्हारे चेहरे पर खून कैसा? वह हड्डी से चेहरे वाला मुझे खिड़की पर दिखाई दिया, मैं चीख पड़ी। अचानक उसने मुझ पर खून की उल्टी कर दी। यह सुनते ही हरिराम थूक निकल कर बोला, ये वही भयानक भूत है रहीम जिसने हमारे सांप को मारा है। अब वह हमारे पीछे पड़ गया, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। अरे, अचानक हरिराम खिड़की की ओर संकेत करके चीख पड़ा, वहरा, वह वह हमें मार डालेगा रहीम। आ, यही यही है वो, यही है वो शैतान, खुदा खैर करे। भागो रहीम, जल्दी तेज दौड़ो सईदा। आह, अगले दिन ही रहीम व हरिराम की लाशें स्टेशन की नुकीली बाउंड्री के ऊपर पड़ी मिली। अरे, सईदा अभी जीवित है। थोड़े से प्रयास के पश्चात सईदा होश में आ गई। आह, उसे हरिराम व रहीम के विषय में पता चला तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सईदा ने जब हकीकत बताई तो लोगों में सनसनी फैल गई। ना जाने कैसी बला टूट पड़ी है स्टेशन पर, स्टेशन मास्टर के बाद ये दो खून। और अगली रात, लखन, आज सीतापुर में ट्रेन नहीं रोकने का है, ऐसा ऑर्डर है। ऑर्डर तो हो गई दिवाकर, नया AMS पता नहीं कब यहाँ पहुँचेगा। हरिराम को का भी कल खून हो गया और सुना है कि भूतों ने उसी लखन ने अभी लखन ने बात पूरी भी नहीं की थी कि दिवाकर कह उठा, सीतापुर स्टेशन के पास पटरियों के बीच कोई खड़ेला है लखन। पटरियों के बीच मरेगा क्या? विसल दो। लखन ने विसल दी। वह विसल नहीं सुन रहा। ट्रेन रोक दे, आत्महत्या का इरादा है? आत्महत्या का इरादा तो नहीं है उसका। उसके निकट पहुंचने तक ट्रेन रुक गई। दोनों बाहर निकल आए। अरे, कहाँ गया? अभी तो इधरिच देखा था मैंने। कमाल है, एकदम गधे के सींग के माफिक गायब हो गया। जरूर उसे गाड़ी में चढ़ना होगा और उसे पता होगा कि आज गाड़ी यहाँ नहीं रुकने की। अचानक गाड़ी को पटरियों पर फिसलता देख दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। हे भगवान, ये गाड़ी तो अपने आप चल पड़ी। अचानक लखन ने दिवाकर को एक तरफ धक्का दिया, बचो दिवाकर, ओ। लेकिन वह खुद ट्रेन की चपेट में आने से ना बच सका। बचाओ दिवा, ओह, लखन मारा गया। अगर मैंने ट्रेन पर कंट्रोल ना किया तो सैकड़ों लोगों के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। गाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी थी, वह प्रति के साथ लपक कर इंजन में चढ़ गया। उफ, अगर इस मौत के स्टेशन पर दोबारा ट्रेन लेकर आना पड़ा तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। उधर गांव में इन दोनों शवों का विधिवत संस्कार कर देना चाहिए। हाँ, रात बढ़ रही है, फिर रहीम के लिए कब्र भी खुद चुकी है। हरिराम के संस्कार के बाद सब लोग रहीम के शव को कब्रिस्तान ले गए। जल्दी करो, रात बढ़ रही है, लाश को कब्र में रखो। लेकिन कब्र में झांकते ही कईयों के मुंह से चीखें निकल गईं। अरे, इस कब्र में तो पहले से एक लाश मौजूद है। क्या? लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। अब क्या करें? ये लाश है भी या नहीं, इसे बाहर निकाल कर देखो, शायद किसी ने मजाक किया है। किसी के कुछ कहने से पूर्व एक युवक करीम कब्र में उतर गया और मैं अभी देखता हूँ कि ये कौन है। करीम ने कपड़ा हटा दिया। उसकी सूरत देखते ही करीम के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, उसने फुर्ती के साथ गड्ढे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसकी एक टांग लाश के पंजे में दब चुकी थी। तो बचाओ मेरी टांग, आ। झटके के कारण करीम लाश पर गिर पड़ा। नहीं, बचाओ, वह भयानक ढंग से चिल्लाया। करीम मर गया। अचानक लाश हवा में उठने लगी। इधर वहां खड़े लोगों को जैसे होश आया। उसने करीम को मार डाला, वहां में ही मार डालेगा, भागो। हे खुदा,
आधी रात के बाद दो नए अंधेरे का दो साए अंधेरे का सीना चीर कर कब्रिस्तान में प्रकट हुए। चलो शुरू हो जाओ, लेकिन डरो नहीं, भूत प्रेत केवल मन का वहम है। खुदाई शुरू करो। करता हूँ। हमें वह चीज़ यहीं कहीं मिलेगी। शाबाश। हो सकता है हमें कोई कब्र भी खोदनी पड़े। टॉर्च जला लो। उसके बाद भी तेजी से खुदाई में लग गए। शाम हॉल्ट। सीतापुर से अगला स्टेशन राम हॉल्ट। सीतापुर से अगला स्टेशन जहां अब सीतापुर के पैसेंजर भी उतरते चढ़ते थे, क्योंकि सीतापुर बन गया था मौत का स्टेशन। इसी ट्रेन से विकास भी उतरा था, सीबीआई का एक होनहार जासूस। एकमात्र खड़े टांगे पर सवार होकर वह सीतापुर की ओर चल पड़ा। चल हिक हिक, यह तांगा इसका नहीं लगता। आधे रास्ते में पहुंचकर एक जगह तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। अरे क्या हुआ, तांगा क्यों रोक दिया? अभी पता चल जाता है। तभी तीन नकाबपोश व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर आनन फानन में विकास के मुंह पर कपड़ा डाल दिया। अरे ओ, विकास ने उनकी पकड़ से छूटने का प्रयास किया। अरे छोड़ो, उसके मुंह पर एक शक्तिशाली घूंसा पड़ा। उफ, तभी उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, कमीने, और उसके चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। आ, तभी विकास की कमर पर एक बदमाश ने ठोकर जड़ दी। ओह, वह जिस बदमाश से टकराया उसने अपने घुटने का वार उसके पेट पर कर दिया। एक पहलवान नुमा बदमाश ने विकास को पीछे कॉलर से पकड़कर हवा में उछाल दिया। ओह, भागो। जब विकास कुछ सोचने समझने लायक हुआ तो वे बदमाश उसे वहां कहीं दिखाई नहीं पड़े। भाग गए, वह मेरा सूटकेस उसे भी ले गए। मुझे पहले ही लगा था कि ये तांगे वाला असली नहीं है, फिर भी मैं धोखा खा गया। कौन हो सकते हैं? शायद लुटेरे जिन्हें मेरे सूटकेस में दिलचस्पी थी। अब मुझे ही ये तांगा चलाकर गांव में चौधरी जी के घर पहुंचना होगा। और वह गांव की ओर चल दिया जहां उसे कुछ दिन रुकना था। गांव पहुंचकर उसे चौधरी साहब ने मौत के स्टेशन के विषय में चौधरी साहब से मौत के स्टेशन के विषय में पता चला। उसी शाम अब रात के खाने पर मुलाकात होगी चौधरी साहब। अरे मगर सुनो तो, जा कहाँ रहे हो? मौत के स्टेशन पर। मौत का स्टेशन? सीतापुर स्टेशन की ओर जाते समय राह ही में वह अचानक ठटक गया। अरे ये आवाजें कैसी? आवाजें इधर से आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे भीतर खुदाई चल रही है। जरा दीवार पर चढ़कर देखूं। ओह, कौन है ये लोग और खोद क्या रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। अचानक भूत की तरह विकास उनके सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या खोद रहे हो? कुछ कहने के स्थान पर सायों ने उस पर फावड़े व बेलचे से हमला कर दिया। ओह उफ, विकास ने फुर्ती के साथ डाल की लकड़ी एक नकाबपोश की टांग पर खींच मारी। विकास ने पुनः लकड़ी फावड़े वाले नकाबपोश पर खींच मारी। दूसरे ही पल फावड़े वाला लंबा नकाबपोश अंधेरे में गायब हो गया। विकास उठने की चेष्टा कर रहे ठिगने व्यक्ति के सिर पर जा पहुंचा और बता कौन है तू हरामजादे? आह उफ, बता वरना अभी तेरे चेहरे का भूगोल बदल डालूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। तुम तांगे वाले? बताओ यहाँ क्या कर रहे थे तुम? और तुम्हारे साथ वह दूसरा कौन था? हम लोग कब्र खोद रहे थे। क्यों? अंधविश्वासी गांव वाले हर मरने वाले के साथ जेवर, रुपया, कपड़े इत्यादि भी दफना देते हैं। हम उन्हें ही खोद कर निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि इधर कदम पड़ते ही मौत अपना शिकार बना लेती है। हम जान का खतरा ना उठाएं तो भूखे मर जाएं। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुमने मेरा सामान भी चुराया और अब। अरे क्या हुआ? ओह नो, ये तो मर गया। खंजर इधर से फेंका गया था, शायद इसके साथी ने पुलिस के भय से इसे मार डाला। अचानक उसे देखकर वह चौंक पड़ा। वह क्या है? ये तो कोई कफन मालूम पड़ता है। विकास उसे फेंकने वाला था कि फिर चौंका। ये क्या चुभ रहा है? विकास ने गठरी को खोला। तार के गुच्छे? विकास ने सफेद कपड़ों को ध्यान पूर्वक देखा। इसके बीचों बीच बने ये छिद्र क्या कह रहे हैं? मामला कुछ गड़बड़ लगता है। अरे वह कौन? हाथ में लैंप लिए वह कहाँ जा रही है? ये तो स्टेशन की तरफ जा रही है। कमाल है, गेट अपने आप खुल गया। कहीं ये कोई भूतनी तो नहीं है? विकास ने एकदम उसके पीछे प्रकट होकर उसे पुकारा। ए सुनो, रुको। सफेद लिबास वाली वह स्त्री वहीं रुक गई। पलटो और बताओ कि मौत के स्टेशन में इतनी रात गए लैंप लेकर कहाँ जा रही थी? स्त्री पलट गई। ओ गॉड,
उसकी भयानक सूरत देखते ही विकास भय से सिहर उठा। तभी उस स्त्री ने भयानक ढंग से ठहाका लगाने के साथ हाथ में पकड़ा लैंप उस पर खींच मारा। तेल व आग का मिलन जब विकास के कपड़ों पर हुआ तो ओह, मेरे कोट ने आग पकड़ ली है। वह विद्युत की गति तेजी के साथ जमीन पर लेट गया। ओह उफ, बाल बाल बचा। अरे ये भूतनी कहाँ गई? फिर उसने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह सफेद लिबास वाली स्त्री उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अगले दिन, अरे तुम रात कहाँ गायब हो गए थे? हम रात के खाने पर तुम्हारा इंतजार करते रहे। माफ करना चौधरी साहब, दरअसल रात मुझे लौटने में देर हो गई थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। नाश्ते के दौरान विकास ने पूछा, चौधरी साहब कल मेरे आने की खबर आपने और किस किस को दी थी? तुमने अपने पत्र में खबर गुप्त रखने को कहा था, इसलिए मैंने तो किसी को नहीं बताई थी। और फिर तुम मेरे दोस्त के पुत्र हो, इतना भरोसा तो रखो मुझ पर। ठीक है, अब आप मुझे मौत के स्टेशन से संबंधित सभी घटनाएं बता डालिए। चौधरी साहब सभी घटनाओं के विषय में उसे बताते चले गए। सुनने के पश्चात विकास बोला, क्या अब भी आप समझते हैं कि ये सब भूतों की करामात है? ये भूतों की ही करामात है। गलत, ये देखिए इस सफेद लवा, देखो यह वह कफन है जो उस लाश ने पहना था, जो कब्र में पहले से रखी थी। करीम का कत्ल हुआ और लाश कुछ तारों की मदद से विकास उन्हें अपने कमरे में ले गया। इस रोल की ये बिस्तर की तरह ऐसे हवा में उठने लगी। आपने ध्यान नहीं दिया, कब्र के ऊपर वृक्ष की मजबूत डाल है जिस पर ये तारें बांधी गई थी। ओ, तार खींचने से शव ऊपर उठ गया होगा और अंधेरे में तार न दिखने के कारण सब उसे भूतों की करामात समझ बैठे। मैं ये सब नहीं जानता, तुम अब उधर नहीं जाओगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा चौधरी साहब, मैं तो भूतों की कलई खोलने ही यहाँ आया हूँ। वह वापस स्टेशन पहुंचा, जहाँ मुख्य गेट का मुआयना करते हुए उसकी आंखें चमकने लगी। लगता है अपराधी इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि अब इन्हें लगता है कि कोई इधर नहीं आएगा। तभी वे ये सारे तारे भी गेट पर बंधी छोड़ गए। रात को गेट इन्हीं तारों से खींचकर खोला गया होगा और मैं समझा कि भूतों की माया है। अब तो यहाँ के चक्कर को घन चक्कर बनाकर ही रहूंगा। फिर वह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान का मुआयना करने पर यहाँ की सारी जमीन खुदी पड़ी है, कई कब्रें भी। मरने के बाद लोग इन्हें कब्र में भी आराम से नहीं रहने देते शायद, लेकिन आखिर ये खुदाई हो क्यों रही है? वह तांगे वाला सच तो नहीं बोल रहा था, रात को शायद कुछ पता चले। उसी रात कब्रिस्तान में वो मिल गई, वह चीज मिल गई बॉस। क्या? पीछे हटो। ओ, यही है वो छोटा सा संदूक, हमारी मेहनत सफल हो गई। इसे खोलकर देखो बॉस। बॉस ने उसे खोला। 2 करोड़ के हीरे, अब जल्दी यहां से निकल चलो बॉस। तभी, नहीं, कोई यहां से नहीं हिलेगा, वरना मैं उसे तुरंत गोली मार दूंगा। कौन है? मैं, सीबीआई इंस्पेक्टर विकास। उसी क्षण कथित बॉस ने अपने एक साथी को विकास की ओर धक्का दे दिया। विकास ने तुरंत गोली चला दी। विकास ने पुनः फायर कर दिया। ठीक उसी पल बॉस के तीनों साथी वृक्षों से नीचे कूदकर उस पर टूट पड़े, लेकिन उनका सामना विकास से था। उफ, आ! उन तीनों को ठिकाने लगाकर वह स्टेशन की तरफ लपका जिधर बॉस गया था। आज तेरा खेल खत्म करके रहूंगा कुत्ते। ओ वरा, विकास सावधानी से उस केबिन के पास पहुंच गया। तभी एक झटके के साथ केबिन का दरवाजा खुला और घूसा विकास के जबड़े पर पड़ा। उसने लपक कर विकास की गर्दन पकड़ ली। वह उसे दबाने लगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। ओ, ओ। विकास ने घुटने का वार कर दिया। वह तड़प उठा। पकड़ ढीली होती विकास गोरिल्ला के समान उस पर टूट पड़ा। फिर जब मार 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 कर उसे अधमरा कर दिया, अब मैं देखूंगा कि दरअसल तुम हो कौन। और चेहरे से वह भयानक मास्क हटाती, चौधरी साहब। वह आश्चर्य से भर उठा। आप और इस रूप में? उस संदूक में क्या था? 2 करोड़ के हीरे, जिसे मेरा ही एक आदमी बेईमानी करके ले उड़ा था। पीछा करते मेरे आदमी ने उसे गोली मार दी थी। लेकिन मरने से पूर्व उसने हीरे वाले बक्से को कब्रिस्तान में कहीं दबा दिया था। बताओ वो हीरे वाला बक्सा कहाँ है? कब्रिस्तान में, कब्र के। इतना कहकर वह मर गया। हीरे मिलने के लिए जरूरी था कि हम पूरे कब्रिस्तान को खोद डालते। ये काम रात में हो सकता है। नहीं, दिन में जब लोग कब्रें खुदी हुई देखेंगे तो उनका रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तब हमने इस रास्ते पर लोगों का आना जाना बंद करने के लिए भूतों का
डर स्टेशन तक फैलाया, क्योंकि कब्रिस्तान गांव व स्टेशन के बीच में पड़ता था। सबसे पहले मैंने मास्क लगाकर देवनाथ को, फिर कब्रिस्तान से खोदे कंकाल ने रहीम व हरिराम को डराकर खत्म किया। आई, मुंह में बकरे का खून भरकर मैंने सईदा के मुंह पर उल्टी की। सईदा को गांव में भूत की बात फैलाने के लिए जिंदा भी छोड़ दिया, फिर रेल के ड्राइवर की हत्या की। रेल चलाकर मैं खुद फटाफट नीचे कूद गया था। तांगे वाले अपने साथी को भी खंजर मैंने मारा, उसे ना मारता तो वो सारा भेद उगल देता। लेकिन तुमने मेरा ब्रीफ केस क्यों उठाया? मैंने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। नाकामयाबी की सूरत में वे तुम्हारा ब्रीफ केस ले आए ताकि काम मामूली उठाई गिरोह का लगे, और स्टेशन पर मिली लैम्प लिए वह औरत, वह भी मेरा ही एक रूप था तुम्हें कब्रिस्तान से दूर करने के लिए। और इस प्रकार विक्रम की सूझबूझ से केस हल हो गया। गांव वालों के प्रेम के कारण 2 दिन गांव में गुजारने के बाद उस दिन जब उसने सीतापुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, मुझे उम्मीद है कि हकीकत प्रकट होने के बाद अब गांव वालों को भूतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रहा होगा, और शायद कभी कोई स्टेशन मौत का स्टेशन नहीं बनने पाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल हॉरर सीरीज के किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।